नमस्कार, सुप्रभात। सबरंग में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, जीवन में छोटे छोटे प्रयास बहुत महत्व रखते हैं। कई बार हम बहुत बड़े बड़े स्वप्न देखते हैं, लेकिन प्रयास की शुरुआत, पुरुषार्थ की शुरुआत नहीं कर पाते और सोचते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा कार्य है, ये क्यों करूं। यदि एक बड़े से दीवार को गिराना भी हो, हथौड़ा मारना पड़ता है, और यदि 100वें हथौड़े पे वो दीवार गिर रही है तो हर छोटे हथौड़े का, हर छोटे प्रयास का महत्व होता है। इसीलिए कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए छोटी से छोटी बातों का भी हम ध्यान अवश्य रखें। और ऐसा ही है कुछ आज का सुंदर सुवाक्य, आइए सुनते हैं। बूंद बूंद से तालाब बनता है। दोस्तों, महान चीजों को हासिल करने के लिए हम छोटी शुरुआत कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठाना ही सफलता का अचूक उपाय है। कहा जाता है कि जो संभव है वो करें, असंभव को करने में भगवान आपकी मदद करेंगे। अक्सर हम सूक्ष्म सुधारों के अत्यधिक महत्व को भूल जाते हैं। अपने आप में सुधार जारी रखें और एक दिन आप खुद को जीत के पायदान पर पाएंगे। सच है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। एक बहुत बड़े व्यापारी के बारे में मैंने सुना था कि वह अपने फैक्ट्री में चक्कर लगा रहे थे, देखा कि कहीं एक एक बूंद करके कुछ ऑयल गिर रहा है। अब उन्होंने अपने कर्मचारियों को कहा कि इसको दुरुस्त करो। लोगों ने कहा कि बहुत अंतराल में थोड़ी थोड़ी बूंद ही तो गिर रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने तुरंत ही सारा कैलकुलेट करके बताया कि यदि ऐसे ही गिरता रहा तो साल के अंत तक हमें कितना नुकसान हो जाएगा। सचमुच इन छोटी छोटी बातों से ही तो जीवन निर्मित होता है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से ही हम महानता की ओर चलते हैं। और न केवल इन बातों का, लेकिन शरीर के भी हर एक अंग जो एक एक बूंद से मिल करके बने हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत महत्व है। और हर एक अंग का ध्यान रखना हमारा दायित्व बनता है। आइए, आज आपकी सेहत आपके हाथ में। हम जानते हैं अपने लीवर के बारे में कि कैसे उसका हम सही सही ध्यान रखें, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा लीवर, जिसे हम हिंदी में यकृत भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं, लीवर हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है। जो भी हमारा खाना, जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कुछ भी हम ड्रिंक लेते हैं, तो वो सारा का सारा जो आंतों में जाता है और आंतों में से जो फिर एब्जॉर्व होता है, सारा का सारा खून, वो जब खून में से खून के द्वारा, पहले वो सारा खून उस खाने को लेकर के जो भी हमने खाया है, जो एब्जॉर्व हुआ है या हमने पिया है, वो पहले लीवर के थ्रू लीवर में आता है। वो लीवर उसको स्क्रीन करता है, उसमें भी जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं, लीवर उसको वहीं रोक लेता है। और रोक करके उसमें से जो भी टॉक्सिन्स को यूटिलाइज करके और उसको पित्त के द्वारा बाहर निकाल देता है, बाइल जो बनता है उसमें डाल देता है, और वो एक फिर हमारे फीकल मटेरियल में निकल जाता है। तो लीवर हमारे एक ऐसी चीज़ है जो कि हार्ट में ब्लड जाने से पहले वो वहाँ एक स्क्रीन करता है, एक तरह का छननी है, वो छान लेता है। तो आप ध्यान रखें, हमारे लीवर को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। और लीवर का कनेक्शन हमारी खुशी से है, कहा जाता है ना, जिगरी खुशी। तो जितना अधिक आप मेडिटेशन के द्वारा अपने लीवर, अपना खुशी को बढ़ाएं, क्योंकि आजकल लीवर की समस्या बढ़ती जा रही है, सिरोसिस ऑफ लीवर, कैंसर ऑफ लीवर और एक दूसरी बीमारी, इवन जो मोटापा जो है देख रहे हैं आप, उससे आप नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है, उसमें हमारे लीवर में फैट ही जमा हो जाता है। वो भी जैसे अल्कोहल में लीवर ख़राब होता है, इवन जो हम फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं या हम नेगेटिव सोचते हैं और उसके द्वारा फिर हमारा जो है चिंतन हमारा ख़राब करता है, उसके कारण भी हमारा लीवर ख़राब होता है। तो दोस्तों, याद रखें, अपने मन को खुश रखें, सदा मेडिटेशन के द्वारा खुशी को बढ़ाएं। खुशी जैसी खुराक नहीं, इसको जितना आप मेडिटेशन उतना अधिक बढ़ेगी। दूसरा, अपन खान पान को संतुलित भोजन करें, संतुलित के साथ साथ स्वच्छ भी हो भोजन, प्रॉपरली साफ करके आप उसको यूज़ करें। क्योंकि याद रहे, जो भी आप खा रहे हैं उसको लीवर चेक करेगा
और वो फिर लीवर के द्वारा ही जाएगा, वो लीवर को हार्म करेगा, और लीवर अगर ख़राब हो गया तो आपके हार्ट को नुकसान होगा। अपने स्वास्थ्य की संभाल में लीवर का ध्यान रखें, वो आपका सहायक बने, आपके जीवन को बीमारी से मुक्त रखे, इसलिए आपका लीवर या जिगर स्वस्थ होना अति आवश्यक है। ओम शांति। तो अपने लीवर का बहुत ही अच्छी तरह हम ध्यान रखने के संकल्प के साथ आइए आगे चलते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगमों के सुंदर दर्शन हम प्रतिदिन करते आ रहे हैं, जिनके दर्शन करके सचमुच मन आनंद विभोर हो रहा है। हमारे देश में स्थित ये द्वादश ज्योतिर्लिंग सचमुच श्रद्धा, भक्ति, भावना और विश्वास के केंद्र हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट स्थित कृष्णेश्वर महादेव के पास, जहां आकर सभी लोग गहन शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। देश विदेश के लोग यहां आते हैं और परमात्मा के सुंदर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अपने आप को धन्य धन्य अनुभव करते हैं। आइए हम सब भी चलते हैं। कृष्णेश्वर महाराष्ट्र में दौलताबाद के पास एलोरा में स्थित है। यह भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। वर्तमान मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किया था। कृष्णेश्वर का अर्थ है करुणा के भगवान। कहानियों के अलावा परमात्मा, जिसे हम शिव, अल्लाह, यहोवा कहते हैं, हमारे प्रति असीमित दया रखता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि यदि शिव दयालु हैं, तो वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते। खैर, अब हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे हमारे अपने अतीत के कर्मों का परिणाम है, और शिव अपने असीमित विवेक से सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं, ताकि हम अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो जाए। ईश्वरीय ज्ञान का पालन करके मनुष्य को देवता के स्तर तक उठाया जा सकता है। करुणा का सबसे बड़ा कार्य है कलयुग को सतयुग में बदलना, जो केवल शिव ही कर सकते हैं। आइए शिव द्वारा दिए गए ज्ञान में गहराई से उतरें और इस शिवरात्रि को एक संपूर्ण तरीके से मनाएं। मित्रों, प्रतिदिन हम केवल द्वादश ज्योतिर्लिंगमों के दर्शन ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के बारे में बहुत गहनता से जान भी रहे हैं, उनके कर्तव्यों के और साथ ही उनके अवतरण और ज्ञान सुनाने के आध्यात्मिक रहस्यों को। शास्त्रों में ये बातें वर्णित हैं कि परमात्मा सर्व संबंधों से हम सबको सुख देते हैं, उसकी अनुभूति कराते हैं। तो कैसे परमात्मा हमें अलग अलग संबंधों की अनुभूति कराते हैं और कैसे उस सुख को प्राप्त किया जा सकता है, परमात्मा की उस मदद को प्राप्त किया जा सकता है, आइए आज के शिव संदेश में सुनते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी से। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव, जो बहुत सूक्ष्म है, जिनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, वे हम आत्माओं के परम पिता भी हैं, तो परम शिक्षक भी हैं और परम सदगुरु भी हैं। उन्हें आप अपना सच्चा मन का मीत खुदा दोस्त भी बना सकते हैं, और वे आकर माँ का पाठ भी बजाते हैं, माता पिता भी बनते हैं। तो उनकी महिमा परम्पार है, लेकिन महिमा केवल गाने के लिए नहीं होती। वे परम शिक्षक बनकर ज्ञान दे रहे हैं, उनसे ज्ञान ले लें। उस ज्ञान से बुद्धि दिव्य हो जाएगी, उस ज्ञान से बुद्धि तेजस्वी और अलौकिक हो जाएगी। उस ज्ञान को पाकर हमारी जन्म जन्म की खोज समाप्त हो जाएगी, हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परम सद्गुरु बनकर वे हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। उन्होंने महामंत्र दे दिया है, मन और बुद्धि मेरे से लगाओ, मेरे से जुड़ जाओ, मेरी ही बात सुनो, मुझ पर ही अपना सब कुछ बलिहार करो। बलिहार करने का अर्थ कोई सब कुछ देखे कंगाल बनना नहीं होता, सब कुछ देकर उससे सब कुछ प्राप्त करना।
सूक्ष्म रूप से बलिहारी कर देना, मेरा सब कुछ तेरा है, तो शिव भोलानाथ भी है, बहुत प्रसन्न हो जाता है और अपना सर्वस्व प्रदान कर लेता है। तो ये बहुत सुंदर समय चल रहा है, भगवान से अपने सभी नाते जोड़कर सर्व संबंधों का परम सुख प्राप्त करने का। भक्ति करते तो केवल गाते रहे, तुम माता पिता हो, बंधु सखा हो, गुरु हो, विद्या देने वाले हो, लेकिन अब जब वो स्वयं आकर प्रैक्टिकल में ये कार्य कर रहे हैं तो हमें उनकी आज्ञाओं पर चलकर उनसे नाता जोड़कर समीप नातों का सुख क्या होता है इसका अनुभव करना है। भगवान संबंधी बन गया है, भगवान हमारा हो गया है, अगर हम उससे ये सच्चा नाता जोड़ेंगे तो सचमुच बहुत समीपता का अनुभव करेंगे। जो दूरी है हमारे और भगवान के बीच में, वो दूरी खत्म हो जाएगी। हम उससे सच्चे मन से, प्यार से कह सकेंगे, मेरा बाबा। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि यदि ऊपर वाले से आपका रिश्ता मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नीचे चारों तरफ कई बार ईर्ष्या करने वाले, टांग खींचने वाले, व्यवधान पैदा करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन यदि ईश्वर का हाथ और साथ है तो सारे कार्य सहज हो जाते हैं। वो किसी ने कहा है ना कि तुम ईश्वर का हाथ पकड़ लो, फिर किसी का पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी ही सुंदर अनुभूति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहनें करते हैं कि ईश्वर का दामन थामकर निरंतर अपने जीवन में सेवा कार्यों में आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसे प्रतिदिन हम पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में भी देखते हैं। आइए देखते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी मलाड द्वारा महाकालेश्वर शिव दर्शन झांकी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 25 फरवरी 2022 को हुआ। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड संगीत निर्देशक दिलीप सेन, टीवी और फिल्म अभिनेत्री नुपुर अलंकार, मुंबई भाजपा अध्यक्ष विनोद शेलार, टीवी और फिल्म अभिनेता अभिनंदन जिंदल और भजन सम्राट पद्मश्री सोमा घोष शामिल थे। इस अवसर पर बीके दिव्या और बीके कुंती ने अपनी दिव्य उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। शिव बाबा का झंडा फहराया गया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आमंत्रित अतिथियों ने सभा को संबोधित किया और लोगों को अध्यात्म की ओर वापस लाने में ब्रह्मा कुमारियों के कार्य की सराहना की। मित्रों, शास्त्रों के एक प्रसंग से आज मैं अंत करूंगा। नारद जी एक बार प्रभु के पास गए। उन्होंने देखा कि प्रभु एक बड़ी सी डायरी देख रहे हैं। पूछा, ये डायरी कौन सी है? उन्होंने कहा कि वो डायरी है जो मुझे बहुत याद करते हैं। बड़ी सी डायरी थी। फिर से कुछ दिनों के बाद गए, एक छोटी सी डायरी प्रभु के हाथ में थी। कहा, ये छोटी डायरी किसकी है? उन्होंने कहा, ये उनकी डायरी है जिन्हें मैं याद करता हूँ। विचार करके देखें, क्या हमारा जीवन, हमारे कार्य ऐसे हैं कि उस छोटी डायरी में मेरा भी नाम हो जिन्हें ईश्वर याद करते हों? सारा संसार उन्हें याद करता है, कुछ लोग ही ऐसे हैं जिन्हें वो याद करते होंगे, जिनके कर्म श्रेष्ठ और महान होंगे। क्यों ना हम सब भी अपना नाम उस छोटी डायरी में दर्ज करा लें? आज इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।